हेलो दोस्तों, अंडे का कीमा या अंडे का खगीना मैं बनाने जा रही हूँ आज। उसके लिए मैंने देखिए एक आलू काट लिए हैं, चार एक आलू के चार टुकड़े करके उसमें बारीक बारीक मैंने आलू काटे हैं पतले पतले, और एक प्याज मैंने बारीक काट ली है, डेढ़ टमाटर मैंने बारीक काटा है, और हरा धनिया काट लिया है मैंने, और ये लहसुन मैंने कूट लिया है, और ये चार हरी मिर्च मैंने बारीक काट ली है, और चार अंडे मैंने ये ले लिए हैं। अब इन अंडों को मैंने तेल गरम कर लिया है, अब सिर्फ इन अंडों को मैं इसमें फ्राई कर लूँगी, खाली फ्राई करना है मुझे इसको। चम्मच चलाते रहेंगे, और बस इतना फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल देंगे और इसी कढ़ाई में तेल और डाल देंगे। देखिए ये अंडे फ्राई करके अलग से मैंने फ्राई करके रख लिए हैं, और कढ़ाई में मैंने और तेल डाल दिया है। ये तेल गर्म हो गया है, इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, और अब ये प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। जब ये प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, हल्की सी गुलाबी सी हो जाएगी, हल्की सी पिंक किस कलर की हो गई है अब ये प्याज, अब मैं इसमें डालूंगी कुटा हुआ लहसुन, ये मैंने कूट करके रखा है, कुटा हुआ लहसुन मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। मैं इसको भून लूँगी थोड़ा सा, अब इसी के साथ इसमें मैं डाल दूँगी नमक, टमाटर डलेंगे नमक डाल दूँगी तो, और इसमें डालूँगी मैं मिर्ची पाउडर, टेस्ट के अनुसार ले लीजिए, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा अपना हल्दी पाउडर, ज़्यादा जितना आप डालना चाहें, और फिर मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची, इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर कम डाला है क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे, और टमाटर के गलने तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे। टमाटर थोड़े से गले हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे, तो मैंने बारीक काट करके आलू रखे थे वो आलू डाल देंगे मैं इसमें, अब आलू डाल के इसे चला लेंगे, मसाले में मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने अंडे तले हुए रखे हैं, तल करके रखे थे अंडे मैंने, कुछ तेल में तल के रखे थे वो अंडे में इसमें डाल देंगे, अब देखिए सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको ऐसा करूँगी कि मैं इसमें ये एक कप पानी ले लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी, एक कप से थोड़ा सा बचा लेंगे पानी, ये इसमें डाल करके धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको बंद करके हम इसको पकने देंगे। ये देखिए मैंने ये पानी भी इसमें डाल दिया, एक कप पानी डाल दिया। अब देखिए मैं इसको धीमी आंच में पकने रख दूंगी, उबाल आने लग गया, और गैस की आंच सिम कर देंगे, जब तक आलू ना गल जाए, पानी ना सूख जाए हमारा, तब तक ये पकेगा। देखिए मेरा अंडे का खगीना या कीमा जो भी कहिए ये बन करके तैयार हो गया है, और बिल्कुल रेडी हो गया है, आलू भी गल चुके हैं, और अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी, आप भी बना करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है, और बना करके देखिए एक बार, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, थैंक्स।